गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर सेकंड, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। सो हमने देखा कि जो डॉग एक कमज़ोर सा डॉग था वो अपने लिए मालिक ढूंढने निकलता है। सबसे पहले उसे मिलता है एक वुल्फ, आफ्टर दैट अ बियर, एक भालू मिलता है, और भालू भी फिर किसी चीज़ को देख के डर जाता है। लेट्स सी व्हाट्स दैट। नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, सैड ही टू डॉग। तो भालू कहता है कि मुझे अब यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। इट इज़ द लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। यहाँ पे तो जो शेर है उसका राज चलता है। द लॉयन हु इज़ ही। तो डॉग पूछता है कि लॉयन वो कौन है। डोंट यू नो ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं पता वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है अर्थ पे। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज़ स्ट्रॉगर दैन एनी वन ऑन अर्थ। तो डॉग कहता है कि ठीक है फिर, गुड बाय तुम्हारे लिए, मुझे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर ही चाहिए जो अर्थ पे हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। डॉग फिर लॉयन के पास चला जाता है उससे पूछने के लिए कि तुम मेरे मालिक बनोगे। द लॉयन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्वड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। फिर वो लॉयन के पास चला जाता है, लॉयन एग्री कर लेता है उसे रखने के लिए। फिर वो दोनों साथ में रहते हैं और काफ़ी लंबे समय तक साथ में रहते हैं। इट वॉज़ अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन अ लॉयन एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम इन एनी वे। तो काफ़ी अच्छी लाइफ थी, उसे कोई भी कंप्लेन नहीं थी और कोई भी ऐसा बीस्ट नहीं आया, ऐसा कोई भी जानवर नहीं आया जो लॉयन को मतलब चैलेंज कर सके। और इसी बहाने डॉग को भी कोई छेड़ता नहीं था और ना उसे कोई परेशान करता था। बट वन डे टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग अ पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप्ड। तो जो एक दिन है वो दोनों साथ में चल रहे होते हैं साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ। तो मतलब जो एक पहाड़ी सी होती है ढलान उसके ऊपर चल रहे होते हैं, तभी अचानक शेर रुक जाता है। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली विद हिज पॉ विद सच फोर्स दैट अ होल फॉर्म्ड देयर। वो बहुत गुस्से में दहाड़ता है और अपना पंजा ज़मीन पे मारता है कि वहाँ पे गड्ढा हो जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे पीछे होने लगता है। वट इज़ इट मास्टर, इज़ एनी थिंग रॉन्ग, सेड द डॉग सरप्राइज। तो डॉग है वो उससे पूछता है क्या हुआ मास्टर, कुछ गड़बड़ है। आई स्मेल ए मैन कमिंग दिस वे, द लॉयन सेड। तो लॉयन कहता है कि मुझे एक आदमी की स्मेल आ रही है। वीड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए वरना हम परेशानी में आ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लॉयन, आई वॉन्ट अ मास्टर हू इज़ स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ। तो डॉग उससे कहता है कि ठीक है फिर आपके लिए गुड बाय सर, मैं तो मुझे तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मास्टर चाहिए जो अर्थ पे रहता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन एंड ही स्टेड विद हिम एंड सर्वड हिम फेथफुली। वहाँ से डॉग आदमी के पास चला जाता है और वो उसके साथ रहता है और उसे पूरी वफादारी से सर्व करता है। दिस हैपन लॉन्ग लॉन्ग अगो बट टू दिस डे द डॉग इज मैंस मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोन नो अदर मास्टर। सो उसके बाद से डॉग हमेशा इंसान के साथ रहने लग गया, वो सबसे लॉयल सर्वेंट है इंसान का और उसके अलावा इंसान के अलावा डॉग किसी की नहीं सुनता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। राइट द ग्लोसरी इन योर नोटबुक एंड क्वेश्चन आंसर एंड सबमिट टू योर सब्जेक्ट टीचर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।